हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइएक्सर 2 टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट किन कंडीशन में यूज़ की जाती है, इसके क्या यूज़, डोज, वर्क और क्या साइड इफ़ेक्ट्स एंड प्रकॉशंस हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ट्राइएक्सर 2 टैबलेट है, ये सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है और इसकी आपको एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी, जिनका जो प्राइस है 177 रुपीस है। और इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 3 मेडिसिन के ये कॉम्बिनेशन से बनी है, जिसमें जो ग्लिमी प्राइड है वो 2 mg, सेकेंड पायोग्लिटा जोन 15 mg और थर्ड मेटफॉर्मन हाइड्रोक्वाइड 500 mg इसमें ऐड किया गया है। फर्स्टली हम दोस्तों जानते हैं इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं वो कैसे वर्क करते हैं। इसमें जो ग्लिमिप्राइड है, ये पैंक्रीस में इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, जिससे जो इंसुलिन है वो अच्छे से वर्क करने लगता है और ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो भी नॉर्मल हो जाता है। सेकंड, इसमें दोस्तों जो पायोग्लिटाजोन है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करता है और बीटा सेल्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, जिससे शुगर का लेवल है वो स्टेबल होने लगता है। थर्ड, इसमें जो दोस्तों मेटफॉर्मन है, ये लीवर के द्वारा जो ब्लड में शुगर बनता है उसकी अमाउंट को जो मेटफॉर्मन है वो कम कर देता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी तोड़ने का वर्क करता है। दोस्तों, ये तीनों मेडिसिन जो कि डायबिटीज टाइप 2 में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज टाइप 2 हो गया है तो उसमें जो डॉक्टर उन्हें जो प्रस्क्राइब करते हैं, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है उस कंडीशन में। फर्स्टली हम जानते हैं दोस्तों इसके क्या यूजेस हैं, जो किन कंडीशन में यूज़ की जाती है। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। जिन पेशेंट का डाइट और एक्सरसाइज करने से शुगर कंट्रोल नहीं होता, मीनिंग जिनको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, तो उन कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों डायबिटीज़ टाइप 2 होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो पैंक्रीस के जो बीटा सेल्स होते हैं वो काम करना कम कर देते हैं या फिर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इंसुलिन जो सक्रीट नहीं हो पाता और जो पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज होता है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिससे पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उसे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। अब जानते हैं दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत ही प्यास लगती है, उसको बार बार यूरिन आता है, उसको सुस्ती, थकान और नींद आती है और उसको धुंधलापन भी दिखाई देने लगता है और उसको जो भूख है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है और उसका वज़न है वो भी कम होने लगता है। अगर दोस्तों आप में ये सिम्टम्स दिखाई देते हो तो अपने शुगर का लेवल है वो चेक करवाते रहें, जिससे आपको पता चलता रहे आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ टाइप 1 है कि 2 है, उसके अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन लें। और अगर आपको लीवर, हार्ट, हाइपरटेंशन या फिर अनीमिया की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का ना यूज़ करें। और अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया है या फिर आपकी आइस में किसी तरह की प्रॉब्लम है या फिर आपको नर्व प्रॉब्लम है, तो अपनी जो सारी जो मेडिकल हिस्ट्री अपने डॉक्टर को बताकर ही फिर इस टैबलेट का यूज़ करें। अब जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इस टैबलेट को लेने से पेशेंट में क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे पेशेंट को दस्त लग सकते हैं, उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है, मीनिंग जॉइंट पेन, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है और उसको नींद भी कम आती है और कई बार उसको स्वेलिंग भी आने लगती है, मीनिंग सूजन हो जाती है या फिर बोन फ्रैक्चर होने का भी डर रहता है। अगर आपको और कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो उस टाइम इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसकी सेफ्टी एडवाइस में यही कि इस टैबलेट के साथ आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है और इस टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग भी ना करें, बिकॉज कई बार पेशेंट को जो नींद आती है या फिर उसके ब्लड विजन होने लगती है।
और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज़ करें। और इस टैबलेट को लेने के बाद या फिर आप जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहें, अपनी शुगर का लेवल और अपने लीवर फंक्शन रेगुलर चेक करवाते रहें। और दोस्तों इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ फर्स्टली तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देखकर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसकी एज कंडीशन और उसको किस तरह की जो डायबिटीज है उसके अकॉर्डिंग ही डोज मेंशन करते हैं। बट इस टैबलेट की जो डोज़ है वो 1 टैबलेट डेली रहती है। और दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ अगर आपने आज मॉर्निंग ली है टैबलेट तो नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग ही लें, मीनिंग अपना जो टाइम है इसका फिक्स रखें। और ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ये टैबलेट टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों एक बार इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लेनी चाहिए, फिर इसका यूज़ करें। तो ये तो थी TRIXX2 टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।